देश भर में होने वाली ऑनलाइन ठगी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए भरतपुर पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए मोबाइल टॉवरों को और IMEI नंबरों से पहचान करने के बाद 58,991 सिम कार्ड ब्लॉक कराए हैं। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि ये सिम कार्ड असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्टिव करवाए गए थे। उन्होंने बताया कि नंबरों के ब्लॉक होने से अपराधी अब इन नंबरों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक हमने दो बार मेवात के 8 थाना क्षेत्र का टेक्निकल सर्वे कराया, जिसमें 130 गांव इंक्लूड है। उनमें प्री एक्टिवेटेड सिम जो वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा की है वो यहाँ संचालित होती है, जिनसे साइबर फ्रॉड या सेक्सटोशन के मामले करके जो साइबर क्राइम करते हैं अपराधी, उनका सर्वे हमने कराया मोबाइल कंपनियों का। तो करीब 58,000 मोबाइल सिम और 69,000 हैंडसेट जो इनमें यूज लेते हैं, उनको ATS के माध्यम से भारत दूरसंचार विभाग को लेकर के ब्लॉक करवाया गया। इससे साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उनकी बिल्कुल एकदम उनको नेस्तनाबूद कर दिया इस मामले में, और इस प्रक्रिया को हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे। महीना में जैसे ही हमारे पास इनपुट आएगा हम वापस सर्वे करा करके इनको ब्लॉक कराने की कार्रवाई करेंगे।